हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज एंड प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आप भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के कॉन्टेंट अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप सभी को चेकआउट कीजिए और अपना स्टडी कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी सुपर टेट वर्ग टू एंड वर्ग थ्री का एग्जाम जल्द ही होगा एंड यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी अब बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि इतने दिन फॉर्म अप्लाई किए हो गए। एंड दोस्तों, ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल स्कूल का भी वैकेंसी आ गया है। आप सभी फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इन सबका प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिए होंगे। एंड यूपी एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आएगा, क्योंकि 2018 के बाद अभी नहीं आया है। तो दोस्तों, आप सभी रेडी हो जाइए और मैं डेली बेसिस पर आपको मेन एग्जाम को प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करा रही हूँ, अच्छे क्वेश्चंस लेकर के। सभी टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और दोस्तों, मैं टॉपिक वाइज भी मेन मेन क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगी। ये रिवीजन तो आपका हो ही रहा है, तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोलन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोलन जो है ये किसका पार्ट है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने सभी चीज़ों को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी यात, बड़ी यात, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, सभी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो कोलन जो है पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, किसका भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है यानी कि बड़ी यात का। बड़ी यात चार भागों में बटा हुआ है, सीकम, कोलन, मलाशय एंड रेक्टम। तो दोस्तों, यह लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है और बड़ी यात में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन हमारे शरीर में सबसे पहले कहां पहुंचता है। तो मैंने कई बार बता चुके हैं कि भोजन सबसे पहले हम मुंह में लेते हैं। मुंह में लारे ग्रंथि होती है, तीन जोड़ी, तीन एक तरफ, तीन दूसरे तरफ। तो लार ग्रंथियों से लार निकलता है, स्त्रावित होता है और लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है हमारे मुख में। कहाँ पे, हमारे मुंह में ही हो जाता है। सेलाइवा यानी कि लार के द्वारा पाचन होता है, टैलिन एंजाइम के द्वारा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रोटोनिया किसे कहते हैं। सेरेब्रोटोनिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सेरेब्रोटोनिया कहते हैं एक्टोमोर्फिक को। किसको कहते हैं, एक्टोमोर्फिक को सेरेब्रोटोनिया कहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेल्डन ने शरीर का आकार और ढांचा तथा बॉडी कंपोजिशन के आधार पर बॉडी टाइप को, पर्सनालिटी को तीन भागों में डिवाइड किया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। इन्होंने एंडोमॉर्फिक यानी गोलकाय शरीर वाले को विस्रोटोनिक यानी अतरंग प्रधान कहा एंड मेसोमॉर्फिक को सोमेटोटोनिक यानी सुडोलकाय शरीर वाला एंड तीसरा भाग बांटा है एक्टोमोर्फिक यानी लंबकाय शरीर, अस्थि प्रधान शरीर संरचना जिसको सेरेब्रोटोनिक यानी प्रामस्तिष्क प्रधान कहा। इन तीनों के विशेषता के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, उस वीडियो को जाके देखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के जनक कौन है। तो रूसो है। कौन है प्रकृतिवाद के जनक, रूसो है। आदर्शवाद के प्रतिपादक है प्लेटो एंड यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं अरस्तु एंड प्रयोगवाद जिसे व्यवहारवाद या प्राग्मेटिज्म कहते हैं उसके संस्थापक हैं जॉन डीवी। ये मुख्य मुख्य चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज एफ ब्रेडी ने किस खेल का परीक्षण बनाया। तो जॉर्ज एफ ब्रेडी ने किसका परीक्षण बनाया, टेस्ट एंड मेजरमेंट में मैंने सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो इन्होंने बनाया वॉलीबॉल परीक्षण, वॉलीबॉल परीक्षण, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट ने टेस्ट बनाया जॉर्ज एफ ब्रेडी ने।
मेरे से दोस्तों किचन स्नान यानी कि मड बाथ कहाँ पर लोकप्रिय था? तो दोस्तों किचन स्नान जो है पूर्व एथेंस काल में प्रचलित था। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। इसमें रोम राइट दिया है बट रोम आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि रोम में थर्म फॉर बाथ यानी कि कोलेजियम प्रसिद्ध था। इसलिए आप डिटेल में शायद शिक्षा के इतिहास में मैंने आपको बताया है यूनान एंड यूनान के इतिहास में होमर काल, एथेंस काल, रोम काल, ये सभी चीजों के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, हमारा भोजन पाचन तंत्र में कहाँ पर एसिडिक होता है? तो दोस्तों जब हमारे मुंह में जाता है तो सलाइवा यानी कि लार में मिलता है। लार में टैलिनमा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद भोजन नली से होता हुआ जाता है आमाशय यानी स्टोमच में, पेट में, और वहाँ पे इसका मुलाकात होता है जठर रस से निकलने वाले एंजाइम। किससे किससे इसका मुलाकात होता है? पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिन जो है ये सभी चीज़ें इसको अम्लीय बना देता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को अम्लीय या एसिडिक बना देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका पेट यानी कि आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार बार अभ्यास करने से रक्त में वह क्षमता आ जाती है जो देर तक क्षारी यानी एल्कलाइन बना रहता है, तो उस रक्त रस क्षमता को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्षमता को कहते हैं दोस्तों बूफर कैपेसिटी यानी कि बूफर क्षमता। ठीक है, यानी तेज से बूफर क्षमता हमारे बार बार अभ्यास करने से, डेली एक्सरसाइज करने से, डेली अभ्यास करने से आता है, जिसमें जो रक्त होता है देर से क्या होता है, क्षारी, देर तक क्षारी बना रहता है। अब बाद बहुत देर के बाद उसमें लैक्टिक एसिड यानी अम्लीयता बढ़ती है और हमारे देर तक काम करने की कैपेसिटी बनी रहती है। उस चीज को कहा जाता है बूफर कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाल्ट टेबल और पोल वाल्ट में वाल्ट से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे वाल्ट टेबल पर जो पोल वाल्ट होता है उसका तात्पर्य है छलांग लगाना। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लियोड जी एमसी डोनाल्ड ने किस खेल का परीक्षा बनाया? तो इन्होंने फुटबॉल खेल का परीक्षा बनाया, एमसी डोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण, जिसके बारे में मैंने डिटेल में टेस्ट एंड मेजरमेंट के वीडियो में बनाया हुआ है। देखो दोस्तों ग्यूलिक टेप से क्या मापा जाता है? तो ग्यूलिक टेप से शरीर के विभिन्न अंगों की परिधि को मापा जाता है। दोस्तों इस सभी चीजों से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसे डिटेल में सभी वीडियो देखा कीजिए। तो ग्यूलिक टेप से क्या मापा जाता है? शरीर के अंगों की परिधि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार वॉलीबॉल के लिए पूर्णिमा ट्रॉफी है उसी प्रकार हॉकी के लिए कौन सी ट्रॉफी है इन चारों ऑप्शन में से? तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार भूटान के लिए तीरंदाजी है उसी प्रकार बांग्लादेश के लिए क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो कबड्डी है। कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार फुटबॉल के लिए 5 इंच है उसी प्रकार हॉकी के लिए क्या है? दोस्तों फुटबॉल के ग्राउंड की जो लाइन की मोटाई होती है 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर होती है, एंड हॉकी के लाइन की मोटाई जो है 3 इंच यानी कि 7.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, जिस प्रकार त्वचा के लिए हाइपोडर्मिस है उसी प्रकार हृदय के लिए क्या है दोस्तों? तो त्वचा की अंदरूनी परत को हाइपोडर्मिस बोला जाता है, उसे मिलकर बना होता है 3 मांसपेशियों से, एपिकार्डियम यानी कि जिसे पेरिकार्डियम भी कहते हैं, एंड मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो सबसे अंदरूनी परत को कहते हैं एंडोकार्डियम। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार तमिलनाडु की फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मानव संसाधन मंत्रालय है उसी प्रकार LNIPE के ग्वालियर के लिए क्या है? तो दोस्तों तमिलनाडु की फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जिस प्रकार उसका जो संचालन है वो करता है मानव संसाधन मंत्रालय, उसी प्रकार LNIPE ग्वालियर के लिए है, युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार हृदय के लिए सेरस है उसी प्रकार फेफड़ों के लिए क्या है? दोस्तों जैसे कि हृदय के प्रथम मांसपेशी, हृदय की जो दीवारें होती है 3 मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम
में पेरिकार्डियम के 3 परत से बना होता है, जिसके बीच में सेरस नामक पदार्थ भरा रहता है जो हृदय के बाहरी आघातों से रक्षा करता है। उसी प्रकार जो हमारा फेफड़ा होता है, यह प्लूरल मेम्ब्रेन यानी प्लूरल जालिका से घिरा रहता है, जिसके अंतर्गत प्लूरा द्रव होता है। क्या होता है? प्लूरा द्रव होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार श्वसन तंत्र के लिए एल्वेलाई है, उसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या है? जैसे दोस्तों, एल्वेलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त आता है पल्मोनरी धमनी से, हृदय से, वहां का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई ले लेता है। एल्वेलाई से रक्त जो है, रक्त का आरबीसी में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। उसके बाद जाता है कोशिकाओं में। तो जिस प्रकार श्वसन के लिए एल्वेलाई है, उसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सेल यानी कि कोशिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैरोटीन का संबंध किस विटामिन से है? विटामिन ए से। कैरोटीन पिगमेंट से विटामिन ए का निर्माण होता है। अब विटामिन ए हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक इसको हम ग्रोथ विटामिन या वृद्धि कारक विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधि एंड वरांता यानी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन का पाचन शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों, याद रखिए, भोजन का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है, और पाचन का प्रारंभ जो है मुख में ही हो जाता है, और मुख में जो टैलिन नामक एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एंड संपूर्ण पाचन होता है भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, तो विटामिन का पाचन भी छोटी आंत में ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका राइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ठीक है। एंड खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, तो संपूर्ण पाचन की बात कहें तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोनिका कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कोनिका कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपा कप का संबंध किस खेल से है? तो कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है। किस खेल से है? फुटबॉल से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यानी लीवर में रेसिस्टेंस आर्म यानी कि भार भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये किसके लिए लाभदायक होगा? तो यह लाभदायक होगा स्पीड यानी कि गति के लिए, स्पीड यानी कि गति के लिए। मैंने कई बार बताया हुआ है कि उत्तोलक जो है 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को, जैसे कि मैंने इसके बारे में ट्रिक भी कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि इसका ट्रिक है तीनों उत्तोलक को याद करने का, FAR, ठीक है। FAR यानी कि 312, इसको याद कर लीजिए। यानी कि एक के नीचे है एक, यानी कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस यानी कि जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है रेसिस्टेंस एंड फोर्स के, यानी कि भार और बल के। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को संतुलन का लीवर कहते हैं। एंड द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो रेसिस्टेंस यानी भार होता है वो फोर्स एंड एक्सिस के बीच में होता है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को हम कहते हैं बल का लीवर। एंड तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो फोर्स होता है वह बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रेसिस्टेंस बीच में होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को हम कहते हैं संतुलन का लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को बल का लीवर, एंड तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को गति का उत्तोलक। यानी हम उसको भार भुजा की तरफ बढ़ाएंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, तो उसमें क्या किसके लिए लाभदायक होगा? स्पीड के लिए लाभदायक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस खेल का नाम बताइए जिसमें खिलाड़ियों के समूह पानी में समरूप क्रिया करते हैं। तो वह कौन सा खेल होता है दोस्तों? वह होता है सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है एक समान। इसमें एक खिलाड़ी प्रतिभाग करे तो उसे सोलो कहा जाता है, एंड दो खिलाड़ी प्रतिभाग करे तो उसे ड्यूट कहते हैं।
तो इसके बारे में मैंने तैराकी वाली वीडियो देखिएगा, डिटेल में बताया गया है। ठीक है, एरेनेस्ट है उस चिकित्सीय विधि को क्या कहते हैं जिसमें चोट लगे अंग को बर्फीले पानी में डुबोया जाता है तथा गति की जाती है। तो दोस्तों बर्फीले पानी का प्रयोग किया है इसलिए बर्फ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रायोकाइनेटिक्स। ठीक है, क्रायोकाइनेटिक्स है। ठीक है, एंड इसमें जो कंट्रास्ट बात है इसमें ठंडा गर्म दोनों पानी का प्रयोग किया जाता है। एंड वर्लपूल बात में क्या होता है कि हल्का गर्म पानी में टब में एक बायोन्सी ला तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें घुमावदार भंवर के रूप में घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोथेरेपी के कंट्रास्ट बात है, वर्लपूल बात जो हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत आता है, एंड ये क्रायोकाइनेटिक्स बर्फ चिकित्सा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों, 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान के लिए एक स्टॉप वॉच बंद हो गई हो तो कौन सा समय लिया जाएगा? तो दोस्तों जिसका समय ज्यादा होगा उसी का समय लिया जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? तो लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई जो होती है वह होती है 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो लंबाई होती है 1.22 से 1.25 मीटर। लॉन्ग जंप में जो अवतरण क्षेत्र लैंडिंग एरिया होती है 9×2.75 मीटर होती है, एंड जो टेक ऑफ बोर्ड से दूरी होती है लैंडिंग एरिया की 1 मीटर होती है। एंड दोस्तों बात करें ट्रिपल जंप की तो टेक ऑफ बोर्ड से दूरी पुरुषों के लिए 13 मीटर एंड महिलाओं के लिए 11 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची कूद यानी हाई जंप में गद्दे की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो हाई जंप में गद्दे की जमीन से ऊंचाई होती है यहाँ पे दोस्तों 70 सेंटीमीटर राइट दिया है लेकिन बुक में 60 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, बाद में क्लियरेंस होने पर हम इसको राइट कर देंगे और आपको क्लियर होगा तो यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लग्ज मीटर से क्या तात्पर्य है? तो लग्ज मीटर जो है इससे प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। लग्ज मीटर से किसको मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता को। नेक्स्ट दोस्तों, मीजो साइकिल में कितने दिन का होता है? दोस्तों ट्रेनिंग साइकिल जो है 3 होते हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र है। मैक्रो चक्र वार्षिक चक्र भी, ट्रेनिंग योजना भी उसे बोला जाता है, जो 3 से 12 माह का होता है, 1 वर्ष तक का होता है। एंड मीजो चक्र जो है 3 से 6 सप्ताह का होता है जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थान चक्र भी कहा जाता है। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र जिसे साप्ताहिक चक्र भी बोला जाता है, एंड माइक्रो चक्र भी बोला जाता है जो 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। तो इस प्रकार मीजो साइकिल कितने दिन का होता है? तो 3 से 6 सप्ताह का होता है। कितने दिन का होता है? 3 से 6 सप्ताह का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नए जन्मे शिशु के हार्ट रेट यानी कि हृदय दर कितनी होती है? तो 140 प्रति मिनट होता है। जो शिशु जन्म लेता है उसका हार्ट रेट जो है 140 प्रति मिनट होता है। ऐसे सामान्य व्यक्ति की हार्ट रेट जो है 72 प्रति मिनट होता है, पर जो जिस समय व्यक्ति अभ्यास करता है उस समय 180 प्रति मिनट चला जाता है, और जो प्रशिक्षित व्यक्ति हो जाता है उसका हार्ट रेट कितना हो जाता है? 40 से 50 प्रति मिनट हो जाता है। इतना आराम से हार्ट रेट होगा उसका, उतना ही थकावट जल्दी कम होगा, देर से थकावट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 100 मीटर स्टार्ट के लिए स्टार्ट देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है उसको स्टार्टर। क्या बोला जाता है? स्टार्टर। नेक्स्ट दोस्तों, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग की स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुआ। वर्तमान अध्यक्ष है इसके बीटोल्ड बांका। एंड भारत में डोप को कंट्रोल करने के लिए नाडा की स्थापना किया गया है
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर नई मुख्यालय नई दिल्ली है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YMCA चेन्नई किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? तो YMCA चेन्नई जो है वह आता है तमिलनाडु खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। एंड दोस्तों जो YMCA है इसकी स्थापना सर्वप्रथम 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने लंदन में किया था। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में YMCA प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। उसके बाद हेनरी क्रोबक ने YMCA को भारत में लाया, भारत में स्थापित किया 1920 मद्रास के नई मद्रास में। एससी बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों लिपिड किसे कहते हैं? दोस्तों लिपिड यानी फैट यानी वसा को रासायनिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में लिपिड बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ग्लूकोमा शरीर के किस अंग का रोग है? तो दोस्तों ग्लूकोमा जो है आईज यानी कि आंख का रोग है। नेक्स्ट दोस्तों एल्फियस और क्लेडियस क्या है? तो दोस्तों एल्फियस एंड क्लेडियस जो है यह नदियां हैं। क्या है? नदियां हैं। इसका संबंध प्राचीन ओलंपिक से है। किससे है इसका संबंध? प्राचीन ओलंपिक से इसका संबंध है। जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था और 394 ईस्वी तक चला था। कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए थे, कुल 1200 वर्षों तक चला था, लेकिन 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगा दी। उसके बाद 426 ईसा पूर्व में थियोडोसियस सेकेंड ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया। उसके बाद लगातार इस पे विपत्ति आती रही, कालांतर यानी कि कुछ समय पश्चात भूकंप और फिर भूकंप आया और फिर एल्फियस और क्लाडियस नदी ने ओलंपिया को पूरी तरह नष्ट कर दिया और जियस यानी क्रोनोस के पवित्र मंदिर भी नष्ट हो गए। फिर इसको पुनः स्टार्ट करने यानी आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरुआत करने का श्रेय जाता है बैरन पियर डी कुबर्टिन को, जिसे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 23 जून 1894 में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर, जिसके तहत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनकालीन ओलंपिक के दौरान आकाश देवता किसे कहा जाता था? तो आकाश देवता जियस देवता को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जियस देवता को कहा जाता था। एंड दोस्तों अपोलो देवता सूर्य देवता को कहा जाता था एंड समुद्र देवता को पोसिडियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी बार ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है? तो दोस्तों अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में एक बार भी ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा कि एशिया महाद्वीप में आपका चीन में हो चुका है एंड जापान में हो चुका है। नेक्स्ट है फार्टलेग विधि से क्या विकसित होता है? तो दोस्तों फार्टलेग विधि जो है यह एंडोरेंस यानी कि सहनशीलता को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है? एंडोरेंस यानी कि सहनशीलता को डेवलप करता है। इंटरनेस डेवलप करने की चार विधियां हैं, कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड, रेपिटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। कॉन्टिन्यूस मेथड में चार मेथड आती हैं, स्लो कॉन्टिन्यूस, फास्ट कॉन्टिन्यूस, फॉर्टलेक मेथड, वेरिएबल फेस मेथड। कॉन्टिन्यूस मेथड की खोज 1920 में अर्नेस्ट वन ऑकेन ने किया था एंड फॉर्टलेक मेथड की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था, जिसको स्पीड प्ले भी बोला जाता है। और इसमें बिना पूर्व नियोजित ढंग से कार्यक्रम किया जाता है और यह एरोबिक और एरोबिक दोनों क्षमताओं को विकसित करने की अच्छी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नईमुद्दीन का संबंध किस खेल से रहा है? तो नईमुद्दीन का संबंध फुटबॉल से रहा है। किससे रहा है? फुटबॉल खेल से रहा है।
एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का क्रम किस ओलंपिक में टूटा। तो दोस्तों लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का क्रम जो है कब टूटा, तो यह क्रम टूटा 1960 में। कब टूटा 1960 में। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले आधिकारिक तौर पर 1928 से एमस्टर्डम हॉलैंड में भाग लिया, जिसमें इन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अभी तक में भारत ने ओलंपिक में कुल 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक यानी कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 1928 से लेकर 1956 तक लगातार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और फिर 1960 में इसका क्रम टूटा, जिसमें 1960 में रोम ओलंपिक में रजत पदक जीता था, उसके बाद पुनः 64 और 80 में स्वर्ण पदक जीते, यानी कि लास्ट स्वर्ण पदक हॉकी में भारत ने जीता 1980 में। उसके बाद 1968 में कांस्य पदक जीता, 1972 में भी कांस्य पदक जीता और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा पदक 7 पदक जीता है। पुराने क्वेश्चन के अनुसार 2012 लंदन ओलंपिक होगा, जिसमें भारत ने 6 पदक जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीता था। उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीता है, जिसमें से 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक जीता है भारत ने, यानी कि 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर थ्रो करके जीता है, और रजत पदक जीता है मीराबाई चानू वेट लिफ्टर में एंड रवि कुमार दहिया कुश्ती में, एंड कांस्य पदक 4 कांस्य पदक जीता है लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती 65 kg में कुश्ती में एंड भारतीय हॉकी टीम ने। नेक्स्ट है उस मसल्स कंट्रक्शन को क्या कहते हैं जिसमें तनाव बराबर बना रहता है एंड मसल्स की लंबाई कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों आइसोट्रेनिक मसल्स कंट्रक्शन। आइसोटोनिक में मसल्स की लंबाई चौड़ाई लंबाई कम या ज्यादा होती है, कम वो लंबाई होती है तो उसको कंट्रक्शन बोलते हैं, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन, एंड ज्यादा होती है लंबाई तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक कंट्रक्शन। जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती है, पेशी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, तनाव बना रहता है, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक, यानी सेम लंबाई होती है जैसे दीवार को धक्का मारना। आइसोटोनिक जैसे डंबल अभ्यास, कैलिस्थेनिक व्यायाम, वेट ट्रेनिंग आइसोटोनिक के अंतर्गत आता है। एक होता है आइसोकाइनेटिक, जिसमें एक समान गति से पेशी की लंबाई घटती बढ़ती है एंड एक समान गति होती है, जो पानी वाले खेल जैसे रोइंग तैराकी आदि में होता है, जिसे आइसोकाइनेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक के छल्लों में पीला रंग किसको इंगित करता है। तो ओलंपिक के झंडे पर 5 छल्ले लगे होते हैं जो नीला पीला काला हरा एंड लाल कलर के होते हैं। इन 5 छल्लों में नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक एंड लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। यहाँ पे पीला रंग पूछा है तो पीला रंग एशिया महाद्वीप का प्रतीक है। ये पांचों रंग पांचों छल्ले दुनिया को पांचों महाद्वीप को इंगित करता है और दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट फ्लाइंग हाउस वाइफ नाम से कौन सी महिला जानी जाती है। तो दोस्तों फ्लाइंग हाउस वाइफ के नाम से पैनल ब्लैंकर्स को जाना जाता है, ठीक है। किनको बोला जाता है फ्लाइंग हाउस वाइफ उपनाम से, तो पैनल ब्लैंकर्स क्वीन को जाना जाता है। यह 1948 लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक एथलेटिक में जीते थी, उस वक्त वो 2 बच्चे की माँ थी। एंड फ्लाइंग सिख बोला जाता है मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितने वर्टिब्रा होते हैं तथा किस वर्टिब्रा को एक्सिस कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे रीढ़ की हड्डी को सर्वाइकल बोन, थोरोसिक बेन बोन, लंबर बोन एंड कॉक्सिजियल एंड
सेक्रल एंड कॉक्सिजियल में बांटा गया है। तो सर्वाइकल बोन जो होता है वो सात होते हैं और दूसरे वर्टिब्रा को हम कहते हैं एक्सिस, प्रथम वर्टिब्रा के एक्स एटलस बोला जाता है। ध्यान में ये रखिएगा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसके प्रथम वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं और द्वितीय वर्टिब्रा को हम एक्सिस बोलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार फंसाया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रा में सेवन यानी कि सात वर्टिब्रा होते हैं और दूसरा वर्टिब्रा जो है को एक्सिस कहा जाता है। एंड दोस्तों हमारे रीढ़ की हड्डी में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं, हड्डियां होती हैं। एंड वयस्क होने पर, बच्चों की बात करें तो 33 होती हैं, वयस्क होने पर 26 हो जाती हैं, जिसमें आपका सर्वाइकल बोन सात होती हैं, थोरेसिक बोन यानी वक्ष की जो बोन होती हैं वो 12 होती हैं, लंबर यानी कि कमर की जो होती हैं 5 होती हैं, और उसके बाद कॉक्सीजियल जो होता है वो बचपन में 5 होती है बट वयस्क होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती हैं। एंड जो सेक्रल होता है तो 5 मिलकर 1 हो जाती हैं। एंड कॉक्सीजियल जो होता है, जो लास्ट वाला एकदम पूंछ भाग होता है जिसे टेल बोन भी कहा जाता है, पूंछ के समान हो जाता है लास्ट में, तो उसे कहते हैं कॉक्सीजियल, जो 4 हड्डियां मिलकर 1 हो जाती हैं। बचपन में 4 होती हैं, बड़े होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती हैं। इस प्रकार 26 बचता है। नेक्स्ट, वह कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग खिलाड़ी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए करता है, जिसे जीन डोपिंग की श्रेणी में रखा जाता है? तो वह होता है दोस्तों, वह होता है एरिथ्रोप्रोटीन। एरिथ्रोप्रोटीन ये क्या करता है कि हमारे रक्त में आरबीसी की मात्रा को बढ़ा देता है। आरबीसी की मात्रा को बढ़ेगा तो अजय सी बात है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ज्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकेंगे और ज्यादा ऊर्जा बनेगा, जिससे हमारे शरीर में एंड्योरेंस डेवलप होगा, सहनशीलता डेवलप होगा, और इस प्रकार यह डोपिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी का संबंध जो है वह है किस खेल से? फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट स्टेडियम जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में बताइए, मैं समय मिलते ही आपको रिप्लाई करूंगी एंड जो भी डाउट होगा उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और इसी तरह आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।